हे गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल क्रेजी फॉर इंग्लिश बाय द सर्च पर। और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन का एक और फैंटास्टिक यूज ऑफ फील लाइक। जब हम कहते हैं कि मेरा मन कर रहा है, जब आपको कोई कार्य करने का मन कर रहा होता है या कोई कार्य ना करने का मन हो रहा होता है, इच्छा होना, इच्छा हो रही है या इच्छा नहीं हो रही है या इच्छा हो रही थी। अक्सर हम लोग कहते हैं कि आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं हो रहा है, या मैं कहूँ मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में यूज करेंगे फील लाइक के साथ वर्ब आईएनजी का। याद रखिए, वर्ब आईएनजी लगाने से इज एम आर इस यूज में नहीं आएगी। इसका जो फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के आधार पर चलेगा। जैसे मैं कहूं मेरा चाय पीने का मन हो रहा है, तो आपकी चाय पीने की इच्छा हो रही है। आई फील लाइक टेकिंग टी। याद रखिए, यहां पर एम का यूज नहीं करेंगे। आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग टी, ये नहीं होगा। सेंटेंस होगा आई फील लाइक टेकिंग टी। आपकी इच्छा करती हो या कर रही हो, एक ही बात है। आई फील लाइक टेकिंग टी। यदि आपकी इच्छा नहीं हो रही है, आई डोंट फील लाइक टेकिंग टी। यदि यहां पर सब्जेक्ट होता ही, शी, इट या नेम, जैसे मैं कहूं सुरेश की घर जाने की इच्छा हो रही है, तो सुरेश घर जाने की इच्छा कर रहा है। सुरेश फील्स लाइक, याद रखिए फील में एस लगा दीजिए, सुरेश फील्स लाइक गोइंग होम। या निगेटिव कर लेते हैं, सुरेश की घर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। सुरेश डज नॉट फील लाइक गोइंग होम। यदि यही सेंटेंस पास्ट में हो, मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही थी। आई फेल्ट लाइक टेकिंग टी। आई फेल्ट लाइक टेकिंग टी। फील का सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए। जैसे मैंने कहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मेशन पर ये यूज चलता है, तो हम लोग आ देंगे आई फेल्ट लाइक टेकिंग टी। यदि नेगेटिव हो, मेरी चाय पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। आई डिड नॉट फील लाइक। क्यों? डिड नॉट के साथ फील का ही तो यूज करेंगे, डिड नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट। तो आई डिड नॉट फील लाइक टेकिंग टी। यदि प्रेजेंट की बात हो रही हो, तो आप याद रखें फील लाइक या फील्स लाइक। पास्ट की बात हो रही हो, तो या तो फेल्ट लाइक आएगा या डिड नॉट के साथ फील लाइक आएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेरा टीवी देखने का मन करता है, मींस मेरा टीवी देखने का मन कर रहा है, तो आई फील लाइक वॉचिंग टीवी। याद रखिए, मन करता है या मन कर रहा है, दोनों ही वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार बनेंगे, तो फील लाइक का ही यूज होगा, क्योंकि आई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, मेरा मन करता है कि मैं बीच पर जाऊं, तो आई फील लाइक गोइंग टू द बीच। मीन्स मेरा मन बीच पर जाने का कर रहा है, समुद्र के किनारे जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग टू द बीच। नेक्स्ट है, मेरा उससे बात करने का मन है या मेरा उससे बात करने का मन हो रहा है, मन कर रहा है, तो आई फील लाइक टॉकिंग टू हर। मेरी डांस करने की इच्छा हो रही थी, ये पास्ट में है, या मेरा डांस करने का मन था, तो आई फेल्ट लाइक डांसिंग। क्लियर है ना? अगला देखते हैं, क्या आपका कॉफ़ी पीने का मन है या क्या आपका कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तो इंटरोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगी, तो डू यू फील लाइक टेकिंग कॉफ़ी। नेक्स्ट है, उसका पढ़ने का मन क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं कर रहा है, तो why doesn't he feel like studying। नेक्स्ट है, क्या उसका वहां जाने का मन था, did he feel like going there। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, देख लेते हैं। तुम्हारी नौकरी करने की इच्छा क्यों नहीं होती है, मींस तुम नौकरी करने का मन क्यों नहीं करते हो, कभी इच्छा होती ही नहीं है तुम्हारी, तो वाई डोंट यू फील लाइक डूइंग अ जॉब। याद रखिए, इस वीडियो में मैं आपको फील लाइक का यूज समझा रहा हूँ,
वैसे ये सेंटेंस विश या डिजायर का यूज करके भी बन सकते हैं। तुम्हारी क्या करने की इच्छा हो रही थी? What did you feel like doing? क्वेश्चन मार्क। क्या टिंकू का क्रिकेट खेलने का मन नहीं कर रहा है? Does टिंकू not feel like playing cricket? क्या उसका फोन करने का मन नहीं कर रहा था? Didn't he feel like calling? नेक्स्ट है, तुम्हारी कहाँ जाने की इच्छा हो रही है? Where do you feel like going? तो बड़ा सिंपल है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेरी आज ऑफिस जाने की इच्छा नहीं हो रही है। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू ऑफिस टुडे। मीन्स आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है। क्लियर है ना। नेक्स्ट है, सक्षम की यह किताब पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। सक्षम डजंट फील लाइक रीडिंग दिस बुक। नेक्स्ट है, वह घर पर पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है या क्यों नहीं कर रहा है? Why doesn't he feel like studying at home? Next है, क्या तुम्हारा गाना गाने का मन है? Means क्या आपकी गाना गाने की इच्छा हो रही है, मन कर रहा है कि आप गाना गाएं? Do you feel like singing a song? यदि वाक्य में कभी नहीं आ जाए, जैसे मेरा वहाँ जाने का मन कभी नहीं करता है, तो आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना लगाएं, सीधा नेवर लगा दें और फील लाइक या फील्स लाइक या फेल्ट लाइक का यूज़ कर दें, जो भी सेंटेंस के अनुसार आए। तो मेरा वहाँ जाने का कभी मन नहीं करता है, तो आई नेवर फील लाइक गोइंग देयर। आई के साथ फील लाइक आएगा ना, ही होता तो फील्स लाइक और पास्ट होता तो फेल्ट लाइक। इज दैट क्लियर? तो आई होप कि आपको फील लाइक का यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब डेली स्पोकन में इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जब भी आपकी कोई इच्छा हो रही हो, मन कर रहा हो या मन करता हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।